हेलो गाइस, ओमकार आपका स्वागत करता हूँ। तो दिवाली बहुत नज़दीक आई है और दिवाली मतलब हमारे घर में स्वीट और स्पाइसी डिशेज बनाई है। सो आज हम ट्राई करेंगे कुछ यूनिक सा रेसिपीज आपके लिए हम लेके आने वाले हैं, सो जरूर देखिए। तो आज हम दिवाली स्पेशल बनाने जा रहे हैं। तो दिवाली स्पेशल में मैं बनाने जा रहा हूँ एक स्वीट में बेसिकली मैं बनाने जा रहा हूँ आज मलाई पेड़ा। मलाई पेड़ा मतलब जो हमारे घर में जो दूध फट जाता है उससे मैं इनोवेटिव डिश बनाने जा रहा हूँ। तो मलाई पेड़ा के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स करने वाले हैं वो मैं दिखाता हूँ। हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं लेफ्टओवर मिल्क जिसको हमने छान के जो पनीर जैसा निकाला है, उसके बाद मिल्क पाउडर, थोड़ा सा शुगर, मिल्क और कंडेंस मिल्क। तो हम रेसिपी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं पैन रखूंगा गैस पे, थोड़ा सा इसमें मिल्क डालूंगा। दूध गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शुगर। शुगर ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर दोनों डालने वाले हैं। और हम इसके अंदर जो फटा हुआ मिल्क का पनीर था वो डालेंगे। गैस को स्लो फ्लेम पे रखना है। अच्छे से मिक्स करके लेना है इसके अंदर। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें कंडेंस मिल्क। ये पूरा प्रोसेस स्लो फ्लेम पे करना है। इसमें कंडेंस मिल्क अच्छी तरीके से घुल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इसमें अच्छा थिकनेस आएगा और इसके अच्छी तरीके से लड्डू बना सकते हैं पेड़े के शेप में। ये पूरा प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम पे करना है ताकि जो मिल्क है नीचे से जले नहीं। तो हमारे मिक्सर अच्छी तरीके से हो चुका है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। मैं प्लेट को पहले ही घी लगा के रखा है। पूरा मिक्सर जो है प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है। तो हम इसको पेड़े के शेप में इसको डिजाइन करेंगे। ये जो शेप करने के लिए मुझे हेल्प करने के लिए आ रहा है टाइटी लिटिल शेफ, तो आप उसका स्वागत करते हैं। हेलो टाइटी। हेलो। तो मुझे आप हेल्प करोगे ना आज? हाँ करेंगे। जैसे दिखा तो वैसा कर, ठीक है? तो ऐसा छोटा छोटा ये देखो, आप भी करो ऐसा, थोड़ा थोड़ा निकालो, थोड़ा बढ़ा लेना बड़े साइज। लड्डू की तरह कर लें, ठीक है? और इसको अच्छे से ऐसा प्रेस करें। नदी आपका पूरा नाम बताइए। नदी किशोर महाले। तो आप देख सकते हैं नदी ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से हेल्प किया है पेड़ा बनाने में। इसको अब हम गार्निश करेंगे। चलो नदी गार्निश करते हैं इसको। यहाँ पर एक एक ऐसा रखना है इसके ऊपर। तो आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।